हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने छत्तीसगढ़ सरकार के फैसले का किया स्वागत। किसानों के कर्ज माफी और समर्थन मूल्य 2500 रुपए दिए जाने पर सरकार को दी बधाई। कहा कि राष्ट्रीय किसान परिषद के नेतृत्व में भाजपा सरकार के समय जगदलपुर से रायपुर तक 300 किलोमीटर की पदयात्रा का ही यह नतीजा है। देश में छत्तीसगढ़ सरकार पहली सरकार है जिसने टाटा को लोहंडी गुड़ा में किसानों की अधिग्रहित जमीन वापस देने का फैसला लिया है, उसके लिए सरकार का आभार है। टाटा के 18,000 करोड़ के प्रोजेक्ट में किसानों को सिर्फ 40 करोड़ रुपए ही दिए गए थे। भाजपा के शासन में किसानों से लूट थी। गुजरात में टाटा का नैनो कार का प्लांट लगाने और जमीन और 20,000 करोड़ रुपए आधे प्रतिशत ब्याज पर भाजपा सरकार ने कर्ज दिया था। छत्तीसगढ़ की तरह गुजरात में भी नैनो के लिए अधिग्रहित जमीन वापस किसानों को दी जानी चाहिए। किसानों की जमीन उद्योगों के लिए अधिग्रहण के विरोध में 28 दिसंबर को मिर्जापुर से आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। किसानों के गेहूं और धान की देश भर में 2500 रुपए समर्थन मूल्य होना चाहिए। मोदी सरकार ने मान लिया, मोदी जैसे उद्योगपतियों की सरकार है। कुछ उद्योगपतियों का 2,41,000 करोड़ का कर्ज माफ किया गया है एवं बैंकों को 4 करोड़ रुपए कर्ज दिया गया है, लेकिन किसानों के लिए पैसा नहीं है। मुट्ठी भर उद्योगपतियों के गुलाम बन गई है सरकार। वॉलमार्ट के अनुमति देकर छोटे व्यापारियों को नुकसान भी किया जा रहा है। जनवरी के आखिरी और फरवरी के पहले सप्ताह के भीतर राजनीतिक पार्टी का ऐलान किया जाएगा जो कि सभी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेगी। किसानों, बेरोजगारों, छोटे व्यापारियों के हित के लिए काम किया जाएगा। साथ ही वॉलमार्ट को देश में आने नहीं दिया जाएगा। सरकार उसको खा रहा है, हमारी मां को खाने का सरकार को अधिकार नहीं है। उद्योगों के लिए जमीन चाहिए तो फाजल जमीन वेस्टलैंड दीजिए, और फिर भी कहीं लेनी पड़े तो मार्केट रेट से अनेक गुना पैसे दो और विकल्प में किसान को जमीन भी दो। किसान की मां छीनने का पाप यह राजनीतिक दलों को ले डूबेगा, इसलिए देश के किसानों को कर्ज मुक्त करो। सीटों के आधार पर फसल का 1.5 गुना दाम, मानी पूरे देश में धान का 2500 रुपया क्विंटल और गेहूं का 2500 रुपया पूरे देश में दो, और किसानों की जमीन जहां जहां अधिग्रहण की है वह तुरंत वापस करो। यह मुद्दे को लेकर मैं देशव्यापी किसान आंदोलन चला रहा हूं। जगदलपुर से रायपुर तक की 300 मीटर किसानों की राष्ट्रीय किसान परिषद की कितने किलोमीटर 300 किलोमीटर की मिर्जापुर में किसानों की जमीन के अधिग्रहण के विरुद्ध में एक बहुत बड़ी पदयात्रा का मिर्जापुर में नेतृत्व करने 28 मानी परसों जा रहा हूं, और मैं देश के किसानों को आह्वान करता हूं कि आपकी देश में कहीं पर भी जमीन सरकार ने अधिग्रहण करके सरकारी काम और उद्योगपतियों को दी है और उस पर 10 साल में काम नहीं किया है, आप मेरा संपर्क करो। मैं देशव्यापी किसानों की जमीन के लिए आंदोलन करूंगा।